I recently went to Mumbai and man, what a city. Huge buildings, beautiful beaches. यहाँ trains में ऐसी नहीं है, लेकिन मेरे को ये मिल गया. AC deluxe toilet. It's a city of dreams, but who is dreaming about this? Bombay is so filmy, यहाँ trucks के पीछे भी dialogue लिखा है. This one says, देखो मगर प्यार से. I met my old friends, had a lot of fun experiences, including modeling, and we'll get to all of that soon. Okay. 7 घंटे लेट हुई मेरी ट्रेन, लेकिन उसके बाद मैं पहुंच गया. मुंबई में मेरे कॉलेज का रूममेट रहता है. ये आलिशान बिल्डिंग्स देख रहे हो, इसके जस्ट सामने सरकारी टाइप के क्वार्टर्स हैं, उसी में रहता है सिद्धार्थ. वो अपने ऑफिस गया था तो मैं निकल गया अपने डीयू के दूसरे दोस्तों से मिलने, जो कि सारे के सारे मुंबई में रहते हैं. दिस इज एश, जिसने कैमरा देखते ही कुछ अलग पर्सनैलिटी अक्वायर कर ली. अच्छा, तू नरेट कर रही थी क्या? तू अपने ब्लॉगिंग मोड में आ गई क्या? पहले पुराना पेमेंट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने दिया नहीं है वो 220 रुपये नहीं दिया. नहीं, दिन पे बहुत लग रहा है, उसी टाइम कर देना चाहिए. अच्छा, ये रिकमेंडेशन. यार कैमरा आते ही लोग का कुछ अलग ही मोड चालू हो जाता है. ऐश्वर्या अभी तक ऐसे बात नहीं कर रही थी. मेरी टोन बदल गई ना. फिर हमने सोचा कि जेवियर्स कॉलेज में घुसते हैं, वहाँ हमारा फ्रेंड्स वन नेम फिल्मिंग का कोर्स कर रहा है. जेवियर्स में स्टीकिंग करके काफी अच्छा लग रहा है, काफी डर लग रहा है, घबराहट हो रही है. अंडर चेहरे पे लग रहा है घबराहट. आई कैन सी द फियर इन योर फेस. यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड तिलारी हो गई तू. ये है स्वर्णिम की फिल्म मेकिंग क्लास स्लैश स्टूडियो. ऊपर यहाँ एक कंट्रोल रूम है जहाँ एक आदमी रहता है और वो प्रोजेक्टर वगैरह कंट्रोल करता है. स्वर्णिम बेसिकली हम लोग को यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उससे वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको बोल ऐसे यहाँ खटखटाते हैं और फिर उसके बाद ऐसे करते हैं, लाइट कम करो, बढ़ा दो लाइट, आवाज ही नहीं आ रहा है. और तो जब ब्रेक होता है तो वो चला जाता है, ब्रेक चलाता है जाके करना पड़ता है. उसका आइडेंटिटी पता है कि नहीं किसी को आइडेंटिटी, या वो सिर्फ वो वॉइस है, ब्लड है उसका वॉइस. वेरी जाने तू या जाने ना वाइब्स. उसके बाद हम मरीन ड्राइव चले गए, विच इज वेरी ब्यूटीफुल शाम में. प्राची इतना लेट आई कि अंधेरा हो गया पूरा, लाइट चली गई. अब मैं लाइट हूँ. तू क्या लाइट है? नूर हूँ मैं, नूर. अरे यार, ओ यार, द अम्ब्रेला इज वेरी विजिबल. लॉन्ग सिलेंड्रिकल थिंग. अरे क्या कर रहा है यार? लोग नीचे से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या दिक्कत है इनको. द नेक्स्ट डे सिद्धार्थ एंड आई वेंट टू प्ले क्रिकेट एट स्मैश, जहाँ की सिद्धार्थ ने जोश जोश में बोल दिया कि उसको इंटरनेशनल लेवल डिफिकल्टी भी खेलना है. और फिर ओए भाई, वो हंस रही थी, हंस रही थी, वो मैंने नहीं देखा यार. पहले मैंने मैडम को, बहन को बोला कि इंटरनेशनल खेलेंगे. पहला बॉल जब मैं देख नहीं पाया ना, ऐसी वाली हंसी उसने दी ना. इंटरनेशनल खेलेंगे हैं? आओ इधर आओ, कौन सा खेलोगे बताओ. फिर सिद्धार्थ मेरे को ये बताने लगा कि मेरे को फेमस कैसे होना चाहिए. इट इज एक्चुअली व्हाट यू नीड इन योर लाइफ राइट नाउ. अच्छा, आई नीड कंट्रोवर्सी, शॉर्टकट मेथड टू बिकम पॉपुलर. अच्छा, तो कुछ कर दूंगा तेरे साथ. मैं बोल, मेरे साथ क्यों? तू किसके साथ? नंगा हो जा, भाग बे. क्यों बना रहा है बॉडी नंगा नाचने के लिए, या कंट्रोवर्सी करने के लिए? मैं बॉडी बना दूं कंट्रोवर्सी कर, कंट्रोवर्सी कर, बॉडी को यूज कर भाई. अब हो गया, स्किल मिल गया, वो जमाना गया, स्किल बिकता है. क्या मिला तुमको लिटरेचर पढ़ के, मास्टर्स करके? ट्रू. बॉडी तो बनाना ही पड़ रहा है. देख क्यों सब बोर हो रहे, देख सब 100-100 रुपए सब देगा. 20-50 गाड़ी है, 5,000 ही होगा. इतनी फिलोसफिकल बातें करने के बाद मैं और सिद्धार्थ खाना खाने गए, द बॉम्बे कैंटीन करके एक जगह है वहाँ, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बाकी उनका खाना बहुत बेकार है, या तो शायद हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोग को समझ नहीं आया. तीसरे दिन तक मैं अपने सारे दोस्तों से मिल चुका था, तो मैं अकेले घूमने गया गेटवे ऑफ इंडिया. वहाँ बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि यार इतने दूर आए हैं, साथ में कोई है नहीं तो थोड़े पैसे दे के खिंचवा लेते हैं. तो एक बंदे ने बोला आ जाओ, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने फ़ोटो खींची, लैंडस्केप मोड में खींची, ताज होटल के सामने खींची. इतने सब के बाद कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो संतुष्ट हो जाता.
कि भैया और फोटो मत खींचो वरना पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैं जो तीन फोटो के बाद मेरे अंदर का हीरो जाग चुका था, मैंने बोला भैया जितना खींचना है खींचो। तो उन्होंने फिर ऐसा जो उंगली पकड़ के करते हैं वो करवाया, कैंडिड खिंचवाया, बाल में हाथ रख के खिंचवाया। और इस टाइम में मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वाह यार मेरे जैसा मॉडल कहाँ ही मिलेगा इनको, तो शायद इसलिए फोटोज खींचते ही जा रहे हैं। पीछे पीछे मुड़ के खिंचवाया सेल्फी थम्स अप। और सिद्धार्थ की बात भी याद आ गई मेरे को कि टैलेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ बॉडी पे फोकस करो। तो मैं खिंचवाते गया पॉकेट में हाथ डाल के, लुकिंग समवेयर एल्स, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, लेस बांधते हुए सीधा देखा, आई डोंट नो। और ये सब होने के बाद फोटोग्राफर ने बड़े आराम से बोला कि सर 600 रुपये हुए आपके। भाई मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मैं भिड़ गया उनसे कि भैया आप खुद ही खींचे जा रहे थे, मेरे को लगा कि आपको प्यार हो गया मुझसे कुछ। और बहुत बहस के बाद 300 रुपये का कॉम्प्रोमाइज़ करके हम आगे बढ़ गए। गेटवे ऑफ इंडिया से निकलते वक्त मेरे को डबल डेकर बस मिल गई जिसमें मैं बहुत समय से बैठना चाहता था। ये ओपन डेक वाली थी जो सिर्फ साउथ बॉम्बे में ऐसा थोड़ा सा घुमाती है। इट वॉज़ वेरी नाइस। और जहाँ भी हम जा रहे थे ना सब लोग हमारी तरफ देख रहे थे, मतलब बस की तरफ देख रहे थे, बट स्टिल यू नो ऑल दिस अटेंशन, आई एक्चुअली फेल्ट लाइक अ मॉडल। और फिर उसके बाद शाम में मैं जुहू बीच गया, विच वॉज अगेन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। जस्ट बारिश हुई थी, समुद्र में इन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी है जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स चलते हैं, विच इज़ जस्ट पैथेटिक। आई मीन कुछ पैसों के लिए वाई रूइन दिस ब्यूटी। एंड स्पीकिंग ऑफ ब्यूटी, जुहू बीच पे भी मैंने एक फोटोग्राफर को पकड़ लिया इस बार। बाकी मैंने समझा दिया था कि देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, आपको जितने खींचने खींचो। तो उसने भी फोटोज ली वेव में हाथ डाल के, सनग्लासेस पहना के। बट ओवरऑल दिस ट्रिप वॉज सुपर फन। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट मुंबई, दिस ब्लॉग, अब्यूज मी, व्हाटएवर यू वॉन्ट, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मॉडलिंग कॉन्टेंट। बाय।